बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। सीटू जिला कमेटी ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद का समर्थन करते हुए गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सरकार से की गई। कृषि कानून वापस लेने संबंधी ज्ञापन उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया। सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ने कहा कि कृषि कानून लागू होने से किसानों की परेशानियां बढ़ेंगी, खेती पर कंपनियों का नियंत्रण हो जाएगा, बाजार में अनाज की बनावटी कमी कर दी जाएगी जिस कारण जनता परेशान होगी, अनाज मंडियों की व्यवस्था कमजोर होने से मजबूरी में किसानों को औने पौने दामों में अपना अनाज कंपनियों को बेचना पड़ेगा। सीटू ने श्रम कानूनों में बदलाव को मजदूर विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में बदलाव से मजदूरों से 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जाएगा। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बंधुआ मजदूरों जैसी हो जाएगी। सीटू ने सरकार से श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आज पूरे देश में किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ जो है भारत बंद का कॉल किया गया है। सीआईटू ने और हम जो तमाम ट्रेड यूनियन है हमने फैसला किया है कि उसका हमने समर्थन करना है जो भारत बंद का है। यहाँ भारत और जो 3 कृषि कानून है उनको वापस लेने की बात करते हैं। इसी तरह से जो मजदूरों के 4 श्रम कोड हैं जिसमें मजदूरों को बंधुआ मजदूर के तौर पर बना दिया गया है उसको भी हम लोग जो है वापस लेने की बात करते हैं। इसके साथ साथ जो सरकार कह रही है बिजली के क्षेत्र को हमने निजी हाथों में देना है, प्राइवेटाइजेशन करनी है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। बिजली क्षेत्र प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो लोगों पर बहुत इसका भयानक असर पड़ेगा जिसका अभी लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। बिजली के बिल इतने आ जाएंगे, सारा कारोबार महंगा हो जाएगा, इंडस्ट्री महंगी हो जाएगी, दुकानों के बिल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, घरों के बिल बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए तमाम दूसरा है एक मसला जो कल्याण बोर्ड से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 सालों से कल्याण बोर्ड में जो बच्चों के इनके वजीफे के बिल हैं वो बार नहीं पास हो रहे। 5,000 से ज़्यादा बिल है जो अभी यहाँ और शिमला में पेंडिंग है। वहाँ एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, जो जेब में पैसा डालता है उसका फॉर्म आगे जाता है। उज्जवल हिमाचल के लिए हमीरपुर से रवि ठाकुर। बर्मानी स्किन केयर नगरोटा बगवा, सभी प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों के लिए मिले बर्मानी स्किन केयर हॉस्पिटल नगरोटा बगवा।